नमस्कार दोस्तों, जिसपी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वो हमने बिहार से लिया है। बिहार के एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूछा है कि शास्त्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इनमें क्या फ़र्क है, इनकी क्या डिग्रीज होती हैं, कैसे इनकी डिग्रीज कहाँ से मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये सब है क्या। सबसे पहले शास्त्री, आप ये जो शब्द है शास्त्री, आप कई सरनेम्स में, गोत्रों में भी देखते होंगे, लेकिन असल में क्या है, शास्त्रों का ज्ञाता। शास्त्र हैं हमारे भारतीय, भारत में हिंदू समाज जो है उसके कुछ शास्त्र हैं। शास्त्र की का जो ज्ञान है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। अब शास्त्रों की पढ़ाई के लिए अलग अलग डिग्रियां भी हैं। शास्त्र हैं कौन से, कुछ एक शास्त्रों के नाम लूंगा, जैसे कि संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, आपके धर्म शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। जब इन सब का ज्ञान लेने कोई जाता है तो वो शास्त्री कहलाता है। अब इनकी क्या है, शास्त्री किसको कहते हैं? शास्त्री इज इक्वल एंड टू बैचलर्स ऑफ आर्ट, BA, ग्रेजुएशन। अब उससे भी ऊपर आ गए आचार्य, शास्त्राचार्य, मास्टर्स, जो इनकी शास्त्रों की ज्यादा जानकारी लेता है वो BA के बाद, 3 साल BA के करने के बाद 2 साल और आगे मास्टर्स करता है। मास्टर्स वाले को आचार्य कहते हैं। आपने कई नाम सुने होंगे, आचार्य हैं जी, ये आचार्य का मतलब मास्टर्स कर रखी है। लेकिन हर आचार्य टीचर नहीं है, हर आचार्य जरूरी नहीं कि वो आगे उसको पढ़ाने की वो है, क्योंकि अगर आप देखें तो BEd वाले को पढ़ाने की इजाज़त होती है, MEd वाले को पढ़ाने की इजाज़त होती है। तो BEd और MEd भी हैं इसमें। शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, शिक्षा शास्त्री मीन्स BA BEd, शिक्षा आचार्य मीन्स MA BEd। अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो बात ठीक है, अब द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी का क्या हुआ? देखिए वेदास सबसे पुरानी किताबें हैं, हिंदू हिंदू ये मानते हैं कि सबसे पुरानी किताबें हैं, और ना ही ये किसी ह्यूमन ने लिखी, यानी किसी पुरुष ने लिखी, ना सुपर ह्यूमन ने लिखी, और ये 5,000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती हैं। चार वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, समवेद और अथर्ववेद। अब अगर कोई व्यक्ति दो वेदों का, कम से कम दो वेद, एक वेद पे कुछ नहीं, एक वेद पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, अगर दो वेदों का ज्ञाता होगा तो उसको आप कहते हैं द्विवेदी। उसको एक सर्टिफिकेशन दे दी जाती है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ये उसको डिग्री देता है, सर्टिफिकेट देता है कि आप द्विवेदी हो गए हैं, कि आपने दो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगर आप तीन वेदों के ज्ञाता हैं तो त्रिवेदी हो जाते हैं, अब अगर चार वेदों के ज्ञाता है तो आप चतुर्वेदी हो जाते हैं। पूरी पढ़ाई होगी, आपके एग्जाम्स होंगे, पास होंगे, तभी ये डिग्रीज मिल सकती हैं आपको, किसी भी और डिग्री की तरह। अब प्रश्न एक आएगा कि जी एक वेद वाला, एक वेद वाले के लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिग्री नहीं, कम से कम दो वेद चाहिए। अब एक प्रश्न आया कि वेदांत, जिसने वेदों का अंत कर लिया हो, जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया हो, आचार्य, वेदांत आचार्य मतलब उसने मास्टर्स उन चारों वेदों की है, वेदांत आचार्य। हालांकि कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि चतुर्वेदी और वेदांत आचार्य ऑलमोस्ट सिमिलर, बट वेदांत आचार्य की जो ज्ञान है उसका एक लेवल अलग होता है, जिसको कहते हैं ऑनर्स की डिग्री है, या फिर वो टुवर्ड्स फिलोसफी ज्यादा होती है वो। तो वैसे शास्त्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये चारों जो चीजें हैं ये आजकल तो इवन आचार्य ये लोग अपने सरनेम्स की तरह यूज करते हैं। मेरे भी कुछ एक मित्र हैं जो इनका यूज करते हैं, लेकिन असल में ये हो सकता है कि उनके किसी पूर्वज ने, कोई द्विवेदी होगा तो उस, या दुबे जी भी बोलते हैं उनको, तो उसने कभी पढ़ाई की होगी, और क्योंकि उसने द्विवेदी की डिग्री प्राप्त की तो उसके आगे वाले वंश ने भी वही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी चलाया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।
अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करें, पर जरूर बताएं कि क्यों डिसलाइक।